जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप इनटेक 01/2020 के बारे में, और जो वाई ग्रुप के अंदर में आता है आपका अंडर के अंदर मेडिकल असिस्टेंट का जो प्रोसेस है रैली के द्वारा होता है ये, तो जिस स्थान पे ये रैली आया था उस कैंडिडेट्स के भी ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, तो ये अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सभी कैंडिडेट्स जितने भी सिलेक्ट हुए हैं इसके अंदर फिट कैंडिडेट्स हैं, तो उन सभी का रोल है इसके अंदर, और जिनका रोल है उनका ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, और इसका क्या सीन है और कितने कैंडिडेट्स फिट हैं सब कुछ इसमें बताने वाले हैं। और इसका जो कट ऑफ लगा था वो 29.25 लगा था, ठीक है 29। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, वो सेम वही प्रोसेस होता है इसके अंदर, ज़्यादा अंतर इसमें भी नहीं है। इसमें बस इतना दिया गया आपका जो पे रैली प्लेस यानी जहाँ पर रैली को आपको कंडक्ट कराया गया था, कहाँ पर ये रैली हुई थी, मयूरभंज के अंदर रैली हुई थी। तो यहाँ का ये जो आपका सीन है गाइज, और यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है, मेरिट पोजीशन दिया गया है AAC 9 पे किया गया था, ठीक है गाइज। ये AAC 9 के अंडर में है, तो AAC 9 ये सभी कैंडिडेट्स का आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, और फिट दिया गया है एबसेंट, और यहाँ पे भी आगे भी दिया गया है गाइज, वही सेम आपका दिया गया है। अनफिट है तो अनफिट दिया गया है, और एबसेंट अनफिट इन एबसेंट या ये भी आपको पता चल गया होगा क्या सीन है, मैंने आपका सब समझाया हुआ है लेकिन फिर भी बता देते हैं। रिमेडिकल मिला है यहाँ पे, और फिर मेडिकल देने नहीं गए हैं, तो अनफिट भी हो गए और अब्सेंट भी हो गए, तो ये सीन है इनका बस, और सेम वही प्रोसेस है। तो गाइस इसमें बात करूँ टोटल 122 कैंडिडेट हैं, देखते हैं अभी कितने कैंडिडेट्स हैं शायद। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके 122 कैंडिडेट हैं, ठीक है 122 कैंडिडेट टोटल है इसके अंदर, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो फिट कैंडिडेट है ओनली फिट कैंडिडेट्स का ही रोल होता है, तो फिट कैंडिडेट की संख्या है आपके यहाँ पे 79, और 79 के अंदर लगभग है वो आपके 55 के अराउंड में है वो मेन के अंदर आ चुके हैं। और जो इस एक कैंडिडेट्स ने हमारे पास शेयर किया था इसका इन्फॉर्मेशन कुछ, तो इसके अंदर जो इनका आंकड़ा है तो वो बता रहे हैं 70% जो आंकड़ा रहता है वो टोटल कैंडिडेट्स के अंदर से मेन के अंदर इनका ज्वाइनिंग लेटर आता है। टू लास्ट ईयर टू का जो अपना इनरोलमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है, PSL और इनरोलमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये हम बता देते हैं उनके कहने पर गाइस, ठीक है इसमें हमारा कोई राय नहीं है। उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग इसमें भी ये फॉलो हो रहा है, तो 70% जो कैंडिडेट्स हैं 70% तो इनका मैन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो अभी मैं ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे 79 टोटल कैंडिडेट्स फिट है, तो 79 में अब देखो आप कितने सेलेक्ट हो पाएंगे वहाँ पे मेन टाइम तक, लेकिन इनमें लगभग है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे 79 कैंडिडेट्स है, तो इसमें से 70 तो आराम से ही सिलेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है 79 के 9 हो, हम तो यही चाहेंगे 79 ही सिलेक्ट हो ताकि सभी का सिलेक्शन हो पाए, और जो इतनी इसके सीट है उसके अकॉर्डिंग ही वैकेंसी रहेगी। तो लेकिन अभी तक इसके अंदर 79 में से 55 के लगभग तो मेन में आएंगे, और स्टैंड बाई में भी ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। तो जिन कैंडिडेट्स का स्टैंड बाई में है और कितना क्या सीन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कितनी पोजिशन तक क्या सीन रहा है, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर अभी प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ गाइस, तो आपको भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास बहुत काफ़ी ज्वाइनिंग लेटर आए हैं इस रैली से संबंधित, तो और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो ये जो इस कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग लेटर है ग्रुप वाई मेडिकल के अंदर असिस्टेंट और मेन कैंडिडेट्स के अंदर ज्वाइनिंग लेटर है, तो इनका जो 017 इनका लास्ट है, तो इनका जो PSL में रैंक है वो 7 नंबर का रैंक है गाइस, ठीक है आप चेक कर लेना, कोई गलती है नहीं है लेकिन मैंने चेक किया है, फिर भी आपको कोई गलती लगे तो आप बता सकते हैं। 7 नंबर PSL रैंक है इनकी, और इनके मेन के अंदर आया है, और इनको जो रिपोर्ट करना है वो 9 ASC पर करना है, 9 ASC आपका है भुवनेश्वर। और इसके बाद में यहाँ पे इनका दिया गया है डेट 28 से लेकर 1 के बीच में कभी भी ये अपडेट कर सकते हैं वहाँ पे, तो गाइज ये आपके लिए खबर थी, ठीक है नेक्स्ट आगे और बढ़ता हूँ गाइज मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया गया है आपका जो कि 185 नंबर रैंक है, जो इन कैंडिडेट्स की जो PSL में रैंक है वो 23 है, और मेन कैंडिडेट्स का इनका भी ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और ज्वाइनिंग लेटर की ओर, तो गाइज ये भी आपका क्या है वाई ग्रुप में स्टैंड बाई में है, तो ये सबसे बड़ी खबर है आपके लिए गाइज, यहाँ पे स्टैंड बाई का ज्वाइनिंग लेटर है, और इनकी जो रैंक है वो PSL के अंदर 97 पे है, 97 इनकी रैंक है गाइज, और आप देख सकते हैं इनका क्या सीन है अभी, ठीक है। और उसके बाद में आगे और बढ़ता हूँ मैं, तो और आगे भी रैंक आएगी आपकी, तो यहाँ पे 51 लास्ट जो इनके रोल नंबर है उनके अकॉर्डिंग अभी मैंने चेक किया था, तो ये बता देता हूं आपके 84, ठीक है 84 इनकी रैंक है गाइस। और इसके बाद में आएगा 127 का, तो 127 का भी आपको दिखा देता हूं मैं, यहां पे 033 है गाइज यहाँ पे, तो इनका जो रैंक है वो 83 रैंक है, और इनका जो मेन के अंदर आया है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितना क्या सीन है, ठीक है। तो इनका जो अभी मेन के अंदर है और 83 जो इनका रैंक है गाइज, ठीक है।
इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ एक और नए ज्वाइनिंग लेटर के साथ। तो गाइज 180 जो कि इनकी रैंक है 51, 51 है और मेन कैंडिडेट्स के अंदर इनका ज्वाइनिंग लेटर है। इनका जो रैंक है वो 51 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और PSL में सर्च कर लेना। ये आपके लिए सभी के लिए अपडेट है, तो सभी के ज्वाइनिंग लेटर हम दिखा देते हैं आपको ताकि आपको कोई भी मतलब दिक्कत ना आएगा इस, ठीक है। और इसके बाद में ये ज्वाइनिंग लेटर 176 नंबर रैंक का है, तो आपका यहाँ पे इनकी जो PSL में रैंक है वो 35 है, ठीक है गाइज। 35 नंबर रैंक का ज्वाइनिंग लेटर है, मेन के अंदर है ये भी। और इसके बाद में एक और लेटर हमारे पास मेन के अंदर है, ये 121, यानी इनका जो है 3 नंबर रैंक का, बहुत हाईएस्ट जो कह सकते हैं एक इस प्रकार से कि टॉप रैंक के अंदर ये है मेडिकल असिस्टेंट के अंदर। और इसके बाद में एक और ज्वाइन लेटर, लगातार हमारे पास बहुत सारे ज्वाइन लेटर आए हैं गाइज, 127 इनका 14 नंबर रैंक है, ये भी बहुत काफ़ी अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छे नंबर है तभी शुरुआत वाली रैंक में है। और इसके बाद में गाइज आता है 040, तो इनका जो रैंक है वो मैं बता देता हूँ आपको 41 रैंक है गाइज, ठीक है। तो ये आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन था वो शेयर करना था दोस्तों। और इसके बाद में इंडियन नेवी की यहाँ पे तस्वीर आ चुकी है हमारे पास, तो इंडियन नेवी डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमने दे दी थी। फिर से भी सभी देश के नौजवान वीर जो इंडियन नेवी में, उन सभी को दिल से धन्यवाद, उनको हमारा सादर प्रणाम जो यहाँ पे कार्यरत है। इनका एक और वीडियो आएगा आपके लिए बहुत शानदार। और गाइज ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित जो भी अपडेट था आपको दे दिए हमने, और कोई भी आपका सुझाव या कमेंट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे, आपका हेल्प किया जाएगा पूरी तरह से। तो दोस्तों अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर वाले बटन पर प्रेस करके और साइड में दिख रहे घंटे के निशान को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत गाइज। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर एक कैंडिडेट्स का हेल्प हो सके। और गाइज जो भी आपका डाउट और कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिएगा, वहाँ से आपको रिप्लाई हो जाएगा। और गाइज सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, वहां से आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं, जो आप चाहें वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा गाइज, ठीक है। जो भी हेल्प चाहिए उसके सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाकर आप जरूर हेल्प ले सकते हैं। और गाइज आपका जो भी सुझाव है या कमेंट है तो जरूर बताएं हमें। और एक और वीडियो आपके लिए रैली वाले कैंडिडेट्स के लिए आने वाला है, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल होगा, और ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित हर एक जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप सुबह आपको मिल जाएंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।